के तैयार हुए और अभी गर्म के बराबर खाते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर आज मेरा दूध फट गया था तो हल्का सा, तो मैंने क्या किया कि इसे सिरका डाल के फाड़ लिया और अच्छे से धो करके इसका पानी गार करके सारे छेने को निकाल दिया है। और इसका हम बनाएंगे रसगुल्ला। तो रसगुल्ला बनाने के लिए हमें क्या करना है कि इसे अच्छे से हाथ से मसलना है तेली के सहारे। तो चलिए इसे हम मसल कर तैयार कर लेते हैं। तो रसगुल्ला बनाने में इसे मसलना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसे जितना मसलिएगा, जितना अच्छा से मसलिएगा, एकदम स्मूथ इसका बैटर हो जाना चाहिए, तभी आपका रसगुल्ला बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो चलिए इसे हम कर लेते हैं कंप्लीट। स्मूथ सा बैटर हो गया है, एकदम हाथ में भी नहीं चिपक रहा है और ना ही बर्तन में। तो चलिए तैयार हो चुका है। तो अब इसका हम बना लेते हैं, अब इसका हम पेड़ा बना लेंगे गोल गोल। हाथ से इस तरह लगड़ लगड़ करके गोल गोल बनाना है, कहीं पे क्रैक नहीं रहना चाहिए, एकदम अच्छा से तो बनना चाहिए। चलिए इसी तरह हम बना लेते हैं। इधर मेरा चाशनी तैयार है, मैंने चीनी और पानी देखे घुला दिया, उबाल दिया और तैयार है। इसमें चलिए पेड़ा डालते हैं। तो ये उबल रहा है, इसमें एक एक पीस करके डालना है, एक साथ सब नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा मेरा चाशनी या पानी चीनी का बैटर, तो ये ख़राब हो जाएगा और रसगुल्ला फूलेगा भी नहीं। तो इस बात का ख्याल रखते हुए एक एक पीस करके इसके अंदर डालना है हमें। तो चलिए इसे इधर डाल के उबाल लेते हैं 10 मिनट तक और तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे रसगुल्ले डाल दिए हैं बॉयल होने के लिए। अभी देखिए साइज़ से कुछ कुछ बीस बड़ा हो चुके हैं। तो चलिए इसे हम पकने देते हैं अच्छा से कम 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि फटा हुआ दूध का किस तरह से मैंने रसगुल्ला बनाया। यहाँ पर देखिए गाइस, मेरी रसगुल्ला बन के तैयार हो गई है, बहुत मज़े की, बहुत स्पंजी बन के तैयार हुई है। और अभी गर्म भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, देखिए पूरा स्पंजी है, बहुत गर्म है। तो चलिए इसे हम इंजॉय कर लेते हैं और फिर आपसे हम मिलते हैं। तो दिख रहे हैं फटे हुए दूध की थोड़ी सी दूध थी और ये मेरा चाशनी, इसमें मैंने गुलाब जामुन बनाया था उसी में पानी मिला के और चाशनी बना करके मैं इसी में रसगुल्ला बना ली। मैंने अलग से मैं चाशनी नहीं, थोड़ा सा पानी और मिला दिया और चीनी मिला के और इसी में मैंने रसगुल्ला बना लिया। और अभी शाम रात 4 बजे हो गई है, शाम अच्छी खासी आंधी आ रही है ज़बरदस्त। और देखिए चदरा कहाँ से उड़ के आके गिरा है, ये देखिए सेड, और वो लकड़ी का टुकड़ा भी ज़बरदस्त हड़ास हड़ास गिरने का आवाज़ हुआ, हम भी डर गए, बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखिए हम छत पर नहीं जा सकते, इतना ज़बरदस्त आंधी है कि कुछ भी नुकसान होने की चांस रहेगा। तो ये छत से ऊपर से आके गिरा है, तो देखिए ज़बरदस्त आंधी है, कुछ भी गिर रहा है, बजड़ रहा है, बहुत ज़बरदस्त है ये सेड, जो भी कर लीजिए। फिलहाल बहुत है, देखिए बादल बहुत भयंकर है, इतना आंधी है कि चलिए देखते हैं। ये देखिए बादल किस तरह से जा रहा है और ये आंधी फिलहाल लेके आया, बहुत ज़बरदस्त आंधी है भाई, इस तरह का साइक्लोन का तसर देखिए क्या हुआ, छत पर से लकड़ी गिर रही है, आस पास कोई भी चोट लगने के चांस ज़्यादा लग रहा है। तो देखिए अनलॉक 4 चालू होने वाला है कल से, यानी कल 2 जून से। तो उसी का लग रहा है ये असर है कि आंधी तूफान इस तरह से आ रहा है कि जैसे लग रहा है तूफान भी साथ में अनलॉक जिसे 4 लेके आ रहा है। इतना ज़बरदस्त हवा की आवाज़ सुनिएगा ना, बहुत सांस आवाज़ कर रहा है और बहुत डेंजर। हम तो अपनी खिड़की से ही बना रहे हैं कि कुछ भी बाहर निकलना चांस है, खतरे का मोल लेना है, कुछ भी उड़ करके आपके ऊपर आके गिर सकता है। तो देखिए कितना तख्ता गिरा हुआ था, चदरा भी दिखाए थे और पता नहीं किसके घर अच्छे खासे। अब बारिश आना स्टार्ट हो गया है तो मेरे ये लेकिन हवा ज़बरदस्त है भाई, हवा इतना है कि मत पूछिए, ये खतरनाक वाली हवा जिसे कहते हैं, खतरनाक वाली हवा है। देखिए आपको हवा का असर दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से ये नारियल का पेड़ कितना जोर से हिल रहा है, इससे भी और ज़बरदस्त था। उस टाइम हम छत पर नहीं चढ़े थे तो आपको हम दूर से भी दिखा दे रहे हैं। हो गया था तो ये देखिए
इस तरह का भी हो गया है मौसम, ज़बरदस्त बारिश हो रही है उस साइड में, तो ज़बरदस्त बारिश हो रही है। और इधर भी देखिए, और इधर भी बारिश होना स्टार्ट हो चुका, अच्छा खासा बारिश होना स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए इस तरह से और बारिश तेज होती जा रही है, होती जा रही है, तो बारिश हो रहा है देखिए मेरे साथ। तो इस तरह से पूरा बारिश हो रहा है सब तरफ से, पूरा लग रहा है, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का भीग गया, लेकिन हाँ मज़ा आता है कि बारिश जब हो तो अच्छा लगता है। देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ ज़्यादा देर बारिश में भीगना नहीं, पता नहीं क्यों इतना बारिश हो रही है इस बार का। और अभी तो लग रहा है प्री मानसून का असर है, प्री मानसून का असर है। और चले हम भी मुझे चलते, ज़्यादा देर भीगना अच्छी बात नहीं है, लाइट कट गई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने भुट्टा लिया है, दो पीस भुट्टा, तो अभी चाहे तो इसको बॉईल करेंगे और कुछ भुट्टा को पकाएंगे भी, आग में भूनेंगे भी। तो अभी चलिए इसे हम बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर की सब्ज़ी। तो आलू को फ्राई कर लिया है, इसे हम निकाल लेते हैं एक डिश में, और मटर का भी मसाला भून के रख लिया है, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर मटर मेरा मसाला भुना चुका था, दूसरी कढ़ाई में मटर मसाला हम भून रहे थे, इसको इसे पलट लिया है आलू निकालने के बाद। एक्चुअली इतना अच्छा खुशबू इसका महक रहा है, मन कर रहा है कि मछली खाने का, लेकिन अभी इतना मछली का पोजीशन इतना ख़राब है कि मछली खाने का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो इसलिए मटर आलू खाने का मेरा मन बहुत दिन से कर रहा था। तो ये मटर मेरा फ्रोजन किया हुआ, मेरे अपने से हम फ्रोजन किए फ्रिज में वही मटर का। और देखिए मटर गलने के लिए हम रख दिए हैं, चलिए थोड़ा देर से और गला लेते हैं, उसके बाद आलू इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ कुकर में ले लिया पानी, और यह ले लिया भुट्टा, भुट्टा थोड़ा खिंचा है, इसे दो फाक करके इसके अंदर डाल देते हैं, और नमक डाल देंगे हम, और इसके अंदर डाल दीजिए नमक, और सीटी लगा के इसे दो से तीन प्रेशर आने दीजिए, यानी विजिल बढ़ने दीजिए सीटी कुकर का, उसके बाद ये आपका कॉर्न गल के तैयार होगा। बहुत ही मज़े की लगती है, मैं अक्सर बचपन में इस तरह खाया करती थी, जब ये कॉर्न का जो है ना ये खिंचा वाला रहता था, तो इसको उबाल के खाइए बहुत ही मज़ेदार लगता है, और ऐसे भी पौष्टिक भी है ये। तो चलिए इसे उबाल लेते हैं। तो इतना सा भुट्टा लेके हम जा रहे हैं लैला को देने के लिए, तोता को अपने, और तोता बहुत शौक से कहता है चलिए इसे दे देते हैं। लैला है अपने पीले में, और चलिए इसे दे देते हैं खाना। लैला को आ रहा है गुस्सा, और देखिए चलिए कौन ले लो बाबू, लैला ले लो ले लो ले लो। तो चलिए लैला को मिल गया अपना मनपसंद खाना, और वो भी खाती है। तो फिर आपसे हम देखिए लैला को गुस्सा जब आएगा ना, ले लो ले लो ले लो, देखिए हैरी कहाँ घुस के बैठा हुआ है, एकदम किस तरह से वो एकदम शांत बना हुआ फ्रिज के नीचे घुस के बैठ गया, एकदम आजकल कहीं जगह नहीं मिलता फ्रिज के नीचे, और चाहे सोफा के नीचे घुस के बैठा रहता है ये। तो यहाँ पर देखिए मेरा भुट्टा बॉयल हो चुका है कॉर्न, तो यहाँ पर देखिए मेरा भुट्टा अच्छे से बॉयल हो चुका है, बहुत टेस्टी है देखिए सामने से, और अच्छा से भी हम एक दाना चक के देखे थे, पूरा नमक डालने से बहुत मज़ेदार हो गया है। तो चलिए इसे खाया जाता है, और शाम का भी समय, चाय भी चढ़ाए हुए हैं अभी हम, अदरक वाली चाय, क्योंकि बारिश हो रही है और मौसम बहुत ठंड कर दिया है, गर्म भी है ठंड वाला मौसम हो गया, तो चलिए हम चाय पी के इंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी मटर आलू की सब्ज़ी बन के तैयार है, देखिए तो आज के डिनर में यही मटर आलू की सब्ज़ी है, और साथ में रोटी रहेगा, तो अभी हम इसको इंजॉय करेंगे रात के डिनर में। तो यहाँ पर देखिए गैस मैं बना रही हूँ मार्बल कुकीज़, और ये बैटर बहुत पहले से बन के रखा हुआ था, इसलिए मैं इसका रेसिपी अभी शेयर नहीं कर सकती। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि मुझे इसकी रेसिपी चाहिए, तो मैं इसकी रेसिपी आपको दूँगी। तो यहाँ पर देखिए कुकीज़ मैं बना रही हूँ, और इस तरह से अफेक्ट आता है, और चलिए इसे हम डालेंगे OTG में। तो यहाँ पर देखिए मेरा सारा कुकीज़ तैयार हो गया, एक में आलमंड नहीं लगा, बाद टोटल ये मार्बल कुकीज़ है तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे हम डाल देते हैं ओवन में। तो चलिए, और ये प्री हीट गर्म किया हुआ है, गर्म करके रखा है मैंने, और इसे दोनों तरफ का रेड ऑन हो जाएगा। आप देख लीजिएगा आपका ओवन किस तरह से काम करता है OTG, आप उसी के हिसाब से अपना लगाइएगा। तो चलिए इसे हम कर देते हैं, सेक लेते हैं, और फिर सेक के आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसकी रेसिपी अगर चाहिए तो प्लीज़ मेरे कॉमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा कि मुझे मार्बल कुकीज़ की रेसिपी चाहिए, तो मैं जल्द से जल्द आपको दे दूँगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए मेरा बन गया, और ये अभी गर्म है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। चलिए इसे निकाल लेते हैं, बनके रेडी है, बहुत अच्छा खुशबू इसका बहुत अच्छा उठ रहा है,
और आप देखिए भाई इसका एक पीस हम तोड़ के खा चुके हैं, गरम गरम चेक करने आए थे। तो अभी इसे हम ठंडा होने देंगे 10 मिनट तक। तो ठंडा हो जाएगा तब कुकीज़ मेरा तैयार होगा। दिखाते हैं कुकीज़ का, देखिए बहुत ही टेस्टी है। आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। देखिए मेरा कुकीज़ कितना मज़ेदार टेस्टी बना, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने खाया है कुकीज़ को और आपको तोड़ के दिखा रही। देखिए कितना सॉफ्ट, कितना खास्ता, बहुत मज़े की बनी। और अभी बहुत गर्म है और मैंने गर्म गर्म ही कुकीज़ चेक करके देखी थी।